हमने अभी तक जो कर लिया है बूलियन नहीं डिस्कस किया हमने अभी तक, नंबर स्ट्रिंग डिस्कस कर लिया है, ये सारे ऑपरेटर पढ़ लिए हैं और उसके बाद इनपुट आउटपुट हमने लेना सीख लिया है, ठीक है। अच्छा, इनपुट आउटपुट वाला जब हमने क्लास पढ़ी थी तो उसके बाद आपको असाइनमेंट भी मिल गया था उसका, ठीक है। हमने नंबर और स्ट्रिंग पढ़ लिया, सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, इनपुट आउटपुट सीख लिए, अभी बूलियन और एरे, आज ये दो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को हम डिस्कस कर लें। अच्छा जी, नया एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, 6.es6 बूलियन, और इसमें मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html h1 es6 boolean boolean variable। ठीक है जी, अभी तक का जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आप सब लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक HTML की फाइल यहाँ पे बनी हुई है इस वक्त, और उसमें स्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज हुआ हुआ है। यार ये फ़ैन बंद कर देना ज़रा, फ़ैन का बटन पता है किस पर है, बंद कर देना यार। वेल डन यार, ज़बरदस्त, कितना शोर किया होगा ऐसे एक फ़ैन ने यार। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी लेट और इज़ ओपन, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है इज़ ओपन, और मैंने इसके आगे लिख दिया क्लोज, ठीक है जी। जैसे हम अगर यहाँ पे लिखते 5 तो ये क्या बन जाता, नंबर वेरिएबल बन जाता। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ऐसे कार तो ये बन जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब की बार लिख देता हूँ ट्रू तो ये क्या बन गया, बूलियन वेरिएबल बन गया, ठीक है। बूलियन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक वक्त में या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ठीक है, कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर नहीं होती है हमारे पास। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ट्रू नहीं लिखा हुआ, ये ट्रू जस्ट ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो वेरिएबल है, जैसे हमने ये देखा था कि यार हम इनपुट लेते हैं बंदे से, जब हमें नंबर, दो नंबर इनपुट लेने थे तो हमने नंबर वेरिएबल में इनपुट लिया था और वो उसको नंबर की तरह से हम ट्रीट कर रहे थे। बूलियन वेरिएबल जहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें कोई ऐसा इनपुट लेना होता है जिसमें यूज़र यस या नो में जवाब देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर न्यूज़ सम टाइम आप साइन अप कर रहे होते, नीचे न्यूज़ लेटर के लिए चेक होता है, बंदा चेक लगाता है तो इट मीन्स ट्रू, चेक नहीं लगाता इट मीन्स फॉल्स, तो उस तरह की जगहों पर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे नाम जो मैंने लिखा है, इस नाम के अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन भी छुपा हुआ है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कैमल केस, कैमल केस में क्या होता है कि जी हम यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो स्मॉल लिखते हैं और फिर जो दूसरा वर्ड आता है उसके बाद हर आने वाले दूसरे वर्ड का हम पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, एंड इट लुक्स लाइक कैमल, ठीक है। तो इसको हम इस वजह से कैमल केस कहते हैं। तो एक तो ये कैमल केस में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक और नेमिंग कन्वेंशन है, जो बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है ना उसके शुरू में हम लगाते हैं इज़, है ना, कि इज़ ओपन, कि क्या ओपन है, यस ट्रू, तो इसका मतलब है हाँ ओपन है, अगर इज़ ओपन फॉल्स हो सकता था। अच्छा ठीक है जी, हमने बूलियन वेरिएबल बनाना सीख लिया, कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसको मैं इज़ ओपन को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है जी, इज़ ओपन को प्रिंट करवा दिया मैंने। अब इसको चला के देख लेते हैं, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, ठीक है, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ गया, लाइन नंबर 16 से जो कॉन्सोल आया इस पर ट्रू लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको मैंने अगर चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा जी इज़ ओपन इक्वल्स टू सम फॉल्स कुछ और वैल्यू, क्योंकि इसमें वैल्यू होती दो है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। फॉल्स लिखने के बाद मैं इसको दोबारा से क्या करूँगा, इसको मैं कॉन्सोल करूँगा तो मुझे ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक सिंपल सा बूलियन वेरिएबल था जो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, बूलियन वेरिएबल का एक इस्तेमाल तो मैंने ये बताया कि यूज़र से मुझे हाँ ना में इनपुट लेना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस में भी कुछ चीज़ों को मुझे अगर हाँ ना में स्टोर करना होता है तो मैं बूलियन में स्टोर करता हूँ, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो हमारे सामने आएगा इंशाल्लाह जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ हम जब मूव करेंगे ना, तो हम जब देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और हम जब देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, तो इन दोनों के अंदर बूलियन ऑपरेटर का बहुत कसरत से इस्तेमाल होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। बूलियन वेरिएबल जो है, बूलियन वेरिएबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बूलियन
इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कंडीशन चेकिंग ना पूरी की पूरी इस बूलियन के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। कंडीशन चेकिंग अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ। कंडीशन चेकिंग में ना सारा ये बूलियन का काम होता है। अच्छा, और द वेरी आइडिया ऑफ कंप्यूटर इज़ कंडीशन चेकिंग ना, क्योंकि जो प्रोसेसर है या जो कंप्यूटिंग है एक्चुअली या कंप्यूटर्स हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी काम आप उस कंप्यूटर पे कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, कोई ना कोई कंडीशन चेक कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने जो इनपुट आउटपुट वाली क्लास ली थी, उसमें हमने ये देखा था कि हम यूज़र से जब इनपुट लेने के लिए फॉर्म बनाते थे, तो उसमें फॉर्म में अगर कुछ हम ना भी लिखें, खाली फॉर्म हो, सबमिट करते थे, हो जाता था। फिर हमने क्या किया कि रिक्वायर्ड कर दो उसको। रिक्वायर्ड जैसे ही हमने कर दिया, तो फिर क्या होने लग गया कि जब फॉर्म का डब्बा खाली होता था तो वो सबमिट नहीं करने देता था, ठीक है। तो वो जब फॉर्म का डब्बा खाली है और मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा और मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, तो कंप्यूटर को ये बात कैसे पता लगती है कि उसमें कुछ नहीं है? तो उसके पीछे कंप्यूटर क्या करता है, उसको सबमिट का बटन दबाने पे उसको चेक करता है कि आया कि ये खाली तो नहीं है कहीं, अगर खाली है तो ये कर दो, अगर खाली नहीं है तो कुछ और कर दो। तो ये कंडीशन चेकिंग जो है ना, ये कंडीशन चेकिंग इज़ द वेरी आइडिया ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटर में इंटरनली सारा यही हो रहा है। तो इस वजह से, और एक कंडीशन चेकिंग का बूलियन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको जब पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, अभी हमने राइट नाउ जो लिया है, हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है। बूलियन का हमने क्या लिया है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का और आप जवाब देंगे। अगर यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ कार, तो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई मसला नहीं है, सही गलत की बात नहीं। स्ट्रिंग वेरिएबल, जब ये स्ट्रिंग डालूंगा मैं, तो ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि दूसरे वेरिएबल में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई वेरिएबल पहले नंबर था, ऊपर वो नंबर था, मैं नीचे आके उसमें स्ट्रिंग डालूंगा और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, या ऊपर वो बूलियन था, नीचे आके मैं स्ट्रिंग डालूंगा एक्सेप्ट कर लेगा, या ऊपर स्ट्रिंग था, नीचे आके मैं उसमें बूलियन या नंबर दूंगा एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल की टाइप होती है वो डायनेमिक होती है। जो भी वेरिएबल की टाइप होगी वो उसके वैल्यू, मिसाल के तौर पे जब लेट तो सब में सेम है, वेरिएबल का नाम भी सब में सेम है, इक्वल टू तक सेम है, तो जब ये डेटा देखता है ना कि किस तरह का डेटा इसमें डाला गया, तो उससे ये डिसाइड करता है कि इसने कौन सा वेरिएबल बनना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देता तो स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे किसी वेरिएबल की टाइप को एग्जैक्टली चेक करना हो, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ और ऐसे गोल ब्रैकेट करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ इज़ ओपन, कि इस वेरिएबल की जो भी टाइप है इस वक्त वो मैं एक्चुअली प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये एक तरीका है कि किसी भी वेरिएबल की टाइप इस वक्त क्या है वो सब पता लगाने का। हाँ, लेकिन हम क्योंकि इज़ नाम के साथ इज़ ओपन लगाते हैं, तो हमें ये नाम देख के ही पता लग जाएगा कि अच्छा जी ये क्या है, ये बूलियन है, ठीक है, बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। और अगर मैं जस्ट इज़ ओपन लिखूंगा यहाँ पे, तो ये इज़ ओपन की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है, इज़ ओपन की वैल्यू को प्रिंट कर दिया ये। तो हमने देखा कि ये इस वक्त तो बूलियन है, लेकिन अगर इसमें मैंने किसी भी दूसरी टाइप का डेटा डाला, तो इसकी टाइप फ़ौरन ये चेंज कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, कार लिख देता हूँ इसको मैं, तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ में ये क्या देगा मुझे, अब मुझे स्ट्रिंग देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग देना शुरू हो जाएगा मुझे, और बोलेगा कि ये स्ट्रिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये किसी भी डेटा टाइप के साथ है, ये सिर्फ बूलियन के साथ नहीं है, बल्कि किसी भी डेटा टाइप के साथ है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जो डेटा टाइप होती है किसी भी वेरिएबल की, वो डायनेमिक होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो बूलियन था, ये हमने इसका ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया इस जगह पर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट जो है ना, कॉन्स्ट लिखने के बाद तो ये फॉल्स भी इसको लेना नहीं चाहिए, ये इस फॉल्स पे एरर आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ना। क्योंकि जब हम किसी, देखो बहुत अच्छा है इसने सवाल पूछा है, हमने शुरू में ये बात डिस्कस नहीं की है कि लेट जो होता है ना और कॉन्स्ट होता है, ये दोनों से वेरिएबल बनता है, लेकिन कॉन्स्ट से एक ऐसा वेरिएबल बनता है जो उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज इस सेंस में कि रीअसाइन नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि कॉन्स्ट इक्वल्स कॉन्स्ट इज़ ओपन, यानी इज़ ओपन के नाम से कॉन्स्टेंट बनाओ। अच्छा, ये वही कॉन्स्टेंट है जो मैथ में होता है, जो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अगर मुझे मिसाल के तौर पर पाई की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो मैं कॉन्स्टेंट बना लूँगा उसका।
वार वो ES5 का है, ES6 में ये लेटर कॉन्स्ट है, ठीक है। वार भी चलाओगे तो चल जाएगा, लेकिन उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से आज तक मौजूद है, लेगेसी सपोर्ट की वजह से वो इसलिए आज तक मौजूद है। वार उसको हटाया इसलिए नहीं गया है क्योंकि जो 8 से 20 साल पहले के बने हुए प्रोग्राम हैं, अगर वार को रिमूव कर दिया गया ना बिल्कुल, तो वो बंद हो जाएंगे चलना, तो वो चलना बंद ना हो जाए इसलिए उनको वार को अभी तक रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अदरवाइज़ वार जो है वो ES5 में हुआ करता था, ES6 में ये दोनों हैं। अच्छा, तो कॉन्स्ट मैंने कहा कि कॉन्स्ट इज़ ओपन और इक्वल टू ट्रू, तो ये एक्चुअली जो इक्वल टू है ना, दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ट्रू मैंने असाइन किया है इज़ ओपन को, है ना, ट्रू को उठा के मैंने इज़ ओपन के अंदर डाला है, इसको कहते हैं असाइन करना, यानी ट्रू को उठा के मैंने इज़ ओपन में डाल दिया। अच्छा, अब जब मैं इज़ ओपन के अंदर ना, जब दोबारा से फॉल्स को उठा के मैं इज ओपन में डाल रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये असाइनमेंट जो है ना, ये कॉन्स्ट के अंदर मना होती है कि कॉन्स्ट में आप एक दफ़ा आपने जो रख दिया वही रखा रहेगा, चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। और फॉर द वेरी रीज़न कि जो मैथ के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कि ऊपर आपने कहा कि सी इक्वल्स टू बाई 120 ही रहेगा ये पूरी इक्वेशन, तो फॉर द सेम रीज़न, तो यहाँ पे इसको एरर दे देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे रहा। चलो चेक करते हैं, ठीक है, एरर यहाँ दे दिया इसमें, कह रहे हैं कि भाई असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल जो है ना, ये आपका एरर है, तो ये कॉन्स्ट करके इसको नेम करेंगे लेट ही।